लड़की जाती है वो क्या करती है देखना, यहाँ से यहाँ तक चूड़ी पहन कर जाती है हमारे देश में, है यहाँ से यहाँ तक चूड़ी। बोले क्यों, कारण क्या? बोले कारण है जब ये पति के घर में जाती है, पति के घर में जब ये काम करती है, हैं क्या होता है, चूड़ी की झन 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 आवाज होती है। और जब शादी करती है प्यार में पहनती है, पहले हमारे देश में नियम था प्यार में नुपुर पहना। बोले क्यों, जब वो नुपुर पहन करके देखना जो लड़की चलती है उसकी प्यार का आवाज छम छम छम, बड़ी मीठी मीठी आवाज होती है वो छम छम आवाज। और लड़की के हाथ की चूड़ी की झंकार को सुन करके जब पति को कान में पड़ता है उसको बड़ा खुश होता है, बड़ा आनंद होता है कि मेरी पत्नी घर की काम कर रही है, पति को सुख देने के लिए करती है। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर टीका में लिखते हैं कि तो उसी तरह है, उसी तरह बोले अकेला मतलब क्या है, बोले सजातीय आशय सिक्त साधु संग सतबरे। अकेला है, एक जातीय भक्त होनी चाहिए, बहुत हम जिस धारा में आए हैं है? उसी धारा विशिष्ट भक्त होनी चाहिए है? इसलिए इसका मतलब अकेले है। इसलिए भगवान स्वयं क्या कहते हैं, जब नारद जी भगवान से पूछे प्रभु रहते हो कहां, बोले ना अहम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय न च मत भक्ता तत्र तिष्ठामि। नारद भगवान स्वयं कहते हैं, बोले नारद जी दुनिया कहते मैं वैकुंठ में रहता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। दुनिया कहते मैं योगियों का रहता हूँ, मैं योगियों का हृदय में नहीं रहता। बोले रहते हो कहाँ पर, बोले मत भक्ता कायंती है, ये बहुवचन है, जहां मेरे मेरे भक्त लोग मेरे कीर्तन करते हैं, मेरे भजन मेरे कथा करते हैं, मैं वहीं वहीं रहता हूँ, हैं वहीं रहता हूँ। इसलिए जब भक्त लोग एकत्रित मिलकर, इसलिए यहाँ कहते हैं अपन प्रस्ताव सुनी श्री गौरव सुंदर। बोले महाप्रभु कब संतुष्ट होते हैं, बोले अपन प्रस्ताव सुनी, जब महाप्रभु देखते हैं, कृष्ण देखते हैं, क्या देखते हैं, मेरे भक्त लोग एकत्रित होकर क्या कर रहे हैं, मेरे कीर्तन कर रहे हैं। इसलिए परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, यहाँ संकीर्तन शब्द आया है। संकीर्तन मतलब बहु विमिलिता जदैव कीर्तनम तदैव संकीर्तनम, जहाँ पर एकत्रित होकर के मेरे भक्त लोग एक साथ में कीर्तन करे, एक साथ में हरिकथा करे, एक साथ में मेरी चर्चा करते हैं, हैं? इसलिए इसे कलयुग में बताया संघे शक्ति, कलयुग में अकेले भजन नहीं कर सकते। इसलिए किसने गुरुदेव को, गुरुदेव किसने मंदिर छोड़कर चला गया, या मंदिर छोड़कर चला गया पूछा, बोले कैसे बढ़िया भजन करते हो, किया करता हूँ गोवर्धन परिक्रमा करता हूँ, गोवर्धन रोज परिक्रमा करता, हरिनाम करता, ठीक है हरिनाम करता हो गोवर्धन परिक्रमा करता हो, लेकिन जब मंदिर में रहते समय अगर एक दिन में अगर कोई मंगला आरती में नहीं आ पाए, भक्त लोग बोलते आज तुम मंगला आरती में नहीं आए, जब सभी मंगला आरती में आते हम क्या करते, हम भी देख करके हम भी मंगला आरती में आते हैं। जब सभी बैठ कर कीर्तन करते हम क्या करते, हम भी बैठ करके कीर्तन करते हैं। जब सभी बैठ कर हरि कथा सुनते हैं हम क्या करते हैं, सभी बैठ करके हरि कथा करते हैं। अगर जब हम इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं रह करके, अब देखना अगर कोई गलत काम करने की इच्छा करने पर भी हमारे पास में भक्त लोग रहते हैं, हमारे पास साथ साथ भक्त लोग रहते हैं, उनका डर से कभी कभी हम गलत काम नहीं करते, क्यों वो देख कर क्या बोलेगा। इसलिए जब मेरे हमारे जो गुरु जी के मठ में ना, हमारे गुरुदेव किसी घर में रहने नहीं देते, अभी भी किसी ब्रह्मचारी को अकेले किसी घर में नहीं रहने देते। बोले कारण है क्या, बोले कारण है हमारी अंदर में दुर्भावना है, दुश्चिंता है, हैं हमारे मन में दुश्चिंता है। तो अकेले घर में रहोगे तुम्हारे मन जो होगा वही करना शुरू कर दोगे, हैं जैसे स्मार्टफोन है बस उसमें तो उल्टा पुल्टा चीज है, तो अकेले जब घर में रहोगे जो इच्छा उसको देखते रहे सुख सुख कर दोगे, हैं और तो उसमें तो अच्छी चीज कोई आती, देखो हम 5-10 मिनट बैठ करके आनी करते हैं, बैठ करके आसन में बैठ करके गंगे से जमुने चाहे गोदावरी सरस्वती करते हुए हम लोग ने क्या करते हैं, हम उसको आनी करते हैं, 10 मिनट बैठते हैं, अब देखना 1 मिनट भी मन में नहीं था, क्यों
जो चीज हम देखा हुआ होगा, पास आंख बंद करते मन तो गया कहीं, मैया मन अपना अपना मन कहीं काम कर रहा है, दोस्तों के साथ में सब घूम रहा है, अरे इधर गुरु मंत्र जब करे जो आंख खुला, एक मिनट उसमें नहीं था। इसलिए जो हमारे गुरुदेव है ना, ब्रह्मचारी को मना करते थे, बोले देखो कभी भी अकेले किसी घर में मत रहा करो, मना करते थे, बोले अकेले रहोगे क्योंकि हम बद्ध जीव, हमारी जितनी सारी गंदी गंदी संस्कार लेकर के हम आए हैं, गंदी गंदी संस्कार को लेकर के आए, क्या क्या कर्म, गुरुदेव मना करते थे अकेले मत रहा करो किसी घर में, सब सब भक्तों को साथ में रहो, फिर कोई गलत काम करने के लिए तुम्हारे मन में भावना नहीं आएगी, अगर कोई गलती काम करेंगे तो पास में रहने वाले व्यक्ति हमें टोकेगा, उसका डर से हम नहीं करेंगे, इसलिए हम बच्चे रहेंगे, नहीं तो क्या होगा, मोबाइल लेकर घर में जाकर छोड़ देगा, तो घर में जहां से आए ना वहीं लेकर तुमको, वहीं लेकर पहुंचा देगा तुमको। हाँ, इसलिए कहते, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं क्या है, सवार करना शुभ दृष्टि मनोहर, लेकिन महाप्रभु मेरी कथा होती है, मेरे भजन होता है, भगवान सबसे खुश होते हैं, क्यों, देखिए भगवान की जय, हम जैसे हरि कथा मंदिर नित्यम भागवत सेवया, इसलिए हरि कथा होती है, हरि कथा में होता है क्या, भगवान की, अगर किसी व्यक्ति का अगर महिमा गए को खुश नहीं होगा, जरूर खुश होगा जरा, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अपना प्रस्ताव सुने श्री गौर सुंदर, सवार करन दृष्टि मनोहर, शुभ दृष्टि मनोहर, महापुरुष दृष्टि से देखते थे, देखो मेरे भक्त लोग बैठ करके मेरी कीर्तन मेरी कथा कर, भगवान सबसे ज्यादा खुश होते हैं। और जो भगवान की कथा में ना कहते कृष्ण कथा का सबसे बड़ा श्रोता कौन है, कौन श्रोता, बोले कृष्ण है सबसे बड़ा श्रोता, कृष्ण है। एक भक्त बोल रहे थे, बोले एक कोई मंदिर में हर साल आकर कथा करते थे, तो एक साल कथा किया, जब दूसरे सबसे पूछे भैया ये बताओ पिछले साल मैंने जो कथा की थी वो कथा को कहां पर मैंने विश्राम दिया था, बोलो उसको बाद में फिर कथा सुनाऊंगा, बोले भैया आज जो खाते हैं कल याद नहीं रहता है कल क्या खाए थे प्रसाद भाई, आज ही याद नहीं रहता, एक साल पहले की कथा सुने थे, थोड़ी किसको याद रहेगा, सब तो चुप इधर उधर देखने लगे, बोले क्या क्या कथा सुनाए थे क्या। इतने में जो कथाकार जो वक्ता था जो साधु था, बोले लगता है यहाँ पर कथा कोई ठीक ठीक से नहीं सुनते, जो उन्होंने ऐसे बोले ना, बोले मंदिर से आवाज आता है, बोले पंडित जी आप कैसे कहते हो कथा कोई नहीं सुनते, मैं सुनता हूँ ना कथा, मैं सुनता हूँ, तो आवाज आई अपने कथा यहाँ तक विश्राम दी थी। इसलिए कृष्ण कथा में कृष्ण नाम में कृष्ण भजन में इतने आनंद है, इतने आनंद है, बोले महाप्रभु कृष्ण क्यों चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए, कारण क्या है, कारण क्या है, कृष्ण सोच रहे हैं गोलोक वृंदावन में मेरे अंदर में जो माधुर्य है, क्या मेरे अंदर में माधुर्य है जिसको राधा रानी आस्वादन करके मुझे जितना आनंद होता है, 100 गुण करोड़ गुण, 1-10 नहीं कहते करोड़ गुण उसमें आनंद होता है सिर्फ राधा रानी को, है क्या चीज। इसलिए कृष्ण अपना रस को आस्वादन करने के लिए कलयुग में राधा रानी की भाव अंकांत लेकर महाप्रभु रूप में आते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु जब वहां सुनते हैं मेरे भक्त लोग बैठ कर मेरी चर्चा मेरी नाम मेरी महिमा गा रहे हैं, महाप्रभु क्या करते हैं सबको पर शुभ दृष्टिपात करते हैं, मतलब शिक्षा देते हैं। अगर मंदिर का कब कब सुबह, जब जहाँ पर हरि कथा हो जहाँ पर कीर्तन हो, इसलिए प्रभुपाद का जो उपदेश है कहते भैया गौड़िया मठ मतलब क्या है, बोले पठंती बसंती जत्र छात्र, प्रभुपाद कहते गौड़िया मठ कहते किसको, बोले पठंती बसंती जत्र छात्रा, बोले जहां पर पारमार्थिक छात्र जहां पर पठंती और बसंती जहां पर निवास करते हैं और जहां पर परमार्थ विद्या जहां पर हर समय जहां पर परमार्थ विद्या की जहां पर विवेचना होता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं गौड़िया मठ में कभी भी हरि कथा रूपी जो अग्नि अग्नि कभी बंद नहीं होनी चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं गौड़िया मठ में कभी
हरि कथा रूपी अग्नि कभी बंद नहीं होनी चाहिए, हर समय क्या चलनी चाहिए, हरि कथा चलनी चाहिए, हरि कथा है। अगर हम हरि कथा नहीं करेंगे तो फिर क्या ग्राम्य कथा करेंगे, जैसे यहाँ बैठे, जैसे यहाँ पर तीन तीन बार कथा होती है, तो तीन तीन घंटा क्या होता है भगवान की कथा, फिर कीर्तन में दो दो घंटा कीर्तन में चली जाती है, तीन घंटा क्या उसमें क्या होता है भगवान का नाम कीर्तन महिमा। अगर देखना अगर ये चीज नहीं हो ना, फिर तो इधर उधर बैठी करके उल्टा पुल्टा, क्योंकि हम बद्ध जीव है ना, उल्टा पुल्टा इधर उधर चीज में हमारी समय बर्बाद हो जाएगा, फिर भगवत कथा कीर्तन में समय नहीं जाएगी। इसलिए मैं जो मथुरा में आया, पहले मथुरा में आया, मथुरा में जब आया ना, मैंने तो सुना था, मेरे मन में बड़ी इच्छा थी थोड़ा हरि कथा सीखे, हरि कथा सीखे, कहीं हरि कथा, मेरे मन में बचपन से बड़ी उत्साह थी मैं थोड़ा हरि कथा सीखूं। देखो जब तक आपके मन में कोई आग नहीं लगेगी ना, कोई चीज सीखने के लिए आग नहीं लगेगी ना, आप कोशिश नहीं करोगे। जैसे एक व्यक्ति इंजीनियर ही बनेगा, कितने सालों से वो उसको लक्ष्य रखता है, डॉक्टर बनेगा कितने सालों से वो लक्ष्य रखता है, फिर वो लक्ष्य को लेकर पढ़ता है। इसलिए जब तक आपके मन में कोई लक्ष्य नहीं रहेगा ना, बिना लक्ष्य रहने पर आप देखना जिंदगी भर तो मठ में बिछ जाए तक कुछ नहीं बन पाओगे। इसलिए अंदर में आग लगनी चाहिए, वो आग जैसे रॉकेट चलता है कि पीछे आग लगा है पीछे आग लगा देते ना, इसलिए रॉकेट चलती है। इसलिए हमारे अंदर में आग लगनी चाहिए। जब तक तुम्हारी कोई इच्छा नहीं हो ना, कोई इच्छा गोल नहीं हो हमको ये बनना है, फिर आप चेष्टा नहीं करोगे। इसलिए मेरे मन में बचपन से ना, पता नहीं मेरे मन में हरि कथा सीखेंगे, थोड़ा हरि कथा सीखेंगे, हरि कथा सीखेंगे। इसलिए मंदिर में मैं बहुत सेवा करते हुए भी, लेकिन हाथ में लिख करके श्लोक याद करता था, इधर माला बनाता था, इधर रख करके श्लोक याद करता था, मैं मार्केटिंग जाता था हाथ में, ऐसे में ऐसे ऐसे श्लोकों को मैंने याद किया है, ऐसे ऐसे मैंने श्लोकों को याद किया। इसलिए है, इसलिए मैंने, इसलिए ऐसे क्या मैं क्या बोलना चाह रहा था, हाँ मथुरा में, अभी मैं मथुरा में आया, जब मथुरा में आया सुना वहां पर नारायण महाराज के महाराज है, नारायण महाराज, मैंने पता पट पड़ा, हमारे जो नंदनंद ने बोले मथुरा में एक नारायण महाराज है, उस समय मैंने सुना तो बोले दो महाराज जो बच्चों को हरिकथा सिखाते, एक तो गौरव गोविंद महाराज का नाम सुना था, भुवनेश्वर में एक गौरव गोविंद महाराज है जो बच्चों को हरिकथा सिखाते हैं पढ़ाते हैं, और सुना था हमारे श्री नारायण गोस्वामी महाराज मथुरा में। जब मैंने मथुरा में गया नारायण महाराज के पास में, मैंने देखा हे भगवान, वहां पर तो कथा की मंदाकिनी बह रही, जैसे तीन तीन बार किसी मंदिर में देखना, कहीं जाओ एक बार कहीं कथा होती है, एक बार ही कथा होती है कहीं, वो कथा में भी एक दो जब व्यक्ति कहीं बैठे हुए होंगे, अगर कोई नहीं होगा तो बस होते। लेकिन मथुरा में गया तो देखा वहाँ तीन तीन बार कथा होती है, जैसे सवेरे, जैसे शाम को, फिर आरती के बाद है, फिर तीन बार कथा होती है। जब गुरुवर्ग का तिथि आता है, मैंने देखा गुरुदेव चार बार कथा करते, चार बार प्रभुपाद का तिथि आए, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी वाला तिथि आए, श्रील प्रभुपाद का तिथि आए ना, देखा गुरुदेव तो तीन बार बैठते थे, एकदम मंगला आरती के बाद में जिससे हम कीर्तन होता है उस समय गुरुदेव बैठते थे, फिर पुष्पांजलि देने के लिए गुरुदेव 10 बजे आते थे, मेरे 10 बजे से बैठ करके फिर 12 बजे तक कथा होती थी, पुष्पांजलि देकर प्रसाद होती थी, पर उसके बाद में फिर 4 बजे थे शाम को बैठते, 4 बजे फिर गुरुदेव बैठते थे, फिर आरती के बाद में फिर बैठते थे, हैं मतलब गुरुदेव का अंदर में जो उत्साह देखा ना, उस समय हमारा उम्र कम था, लेकिन गुरुदेव का उत्साह देख देख करके हम तो इतने उत्साह, राधा रानी की जन्म उत्सव आए, क्या उत्साह गुरुदेव का मन में, जन्माष्टमी आए, क्या उत्साह, गुरुवर्ग का कोई तिथि आए, मैं तो देख देख हैरान हूँ, हम महाराज का इतनी उम्र हो गया 70-80 साल में, इतने इनके अंदर उत्साह, अरे हम उस समय जवान थे, हमारे अंदर मरे गए, हम तो देख देख करके बोलते थे इतने उत्साह गुरु जी के अंदर। हाँ इतने गुरु जी के अंदर में इतने उत्साह था, इतने उत्साह, और वहां पर चार चार बार गुरुदेव, और बच्चों को बड़े उत्साह देते थे गुरुदेव, बड़े उत्साह देते थे बच्चों को, हरि कथा सीखो, हरि कथा सीखो, श्लोक सीखो, रोज रोज गुरुदेव श्लोक देते थे, और अथात ब्रह्म जिज्ञासा एक सप्ताह देते थे, इसको पर बोलना पड़ेगा। फिर और देखा मैं मथुरा में,
हम तो नए नए आए थे, हम कभी डर जाते थे कथा की बात सुन करके, नए नए आए थे इसलिए कोई जैसे जैसे कोई तिथि पिथि कुछ है ही नहीं। उस दिन बारिश हो रही कहीं बाहर नहीं, गुरुदेव बोलते आज सबको हरि कथा बोलना पड़ेगा, गुरुदेव सबको शाम को, और हम तो नए नए थे, हाँ उस समय तो हम नए नए आए थे, लेकिन जो पुराना पुराना लोग थे कथा सुनाते थे सब खड़े होकर के, इसलिए गुरुदेव बहुत उत्साह गुरुदेव देते थे सबको सीखने के लिए। और विशेष करके गुरु जी के अंदर विशेष गुण देखा, जो ये शास्त्र सिद्धांत को हमारे गौड़ीय विचार को जो जितने अच्छे तरह से समझते थे गुरुदेव, मैंने देखा गुरुदेव उसको पर उतना संतुष्ट होते थे, ये चीज गुरु जी के अंदर में देखा है, ये एक विशेष गुण। और गुरुदेव जो उत्साह देते थे, गुरुदेव बोलते खड़े होकर बोलो, मैं जब पहले आया मैंने कहा गुरुदेव मैं नहीं बोल सकता, बोले बोले तू मेरा आदेश सुनोगे ना, मैं तेरा आदेश सुनूंगा गुरुदेव, बोले तुम जो बोलोगे मैं सुनूंगा ना, मेरा आदेश तुम सुनोगे। भक्त विनोद ठाकुर का तिथि था, मेरे खड़े कर दिए, मैंने खड़े होकर जो बोला मेरा शरीर तो पसीना पसीना निकल गया, क्योंकि मैं तुम नया नया आया था, उम्र कम था, और इतने सारे लोगों गुरु जी के सामने है मैंने, फिर तो उसी दिन किसी तरह से थोड़ी सी कैसे बोला। उसके बाद में फिर बढ़ते विद्या वसनों पर का तिथि आया, तिथि आया जो एक बार पहले दो तीन भक्तों खड़े कर दिए, ऑलरेडी बोल दिए जो कुछ उनका जीवन तत्व होते है, लेकिन बाद में मेरे को जो पूछे मैंने कहा गुरुदेव सब कुछ तो बोल दिए, कुछ तो छोड़े ही नहीं, तो गुरुदेव जोर से डांट लगा, बोले किस लिए मंदिर में आए हो, पिता माता का सेवा नहीं किया, उनको भी धोखे दिए, यहाँ भी गुरु वैष्णव को धोखे देने के लिए आए हो, शास्त्र पिता को पढ़ना, शास्त्र ग्रंथों को पढ़ना, गुरुदेव ऐसे बोले, शास्त्र सिद्धांत को पढ़ना, जैसे गुरुदेव बोलते जैसे कि पिता की कोई बिजनेस है, पिताजी देखते हैं मेरे बच्चों में ऐसे कौन सा बच्चा हो बाद में मेरे बिजनेस को ठीक ठीक से जो चलाएगा, अगर देखते हैं अगर कोई बच्चा मेरे बाद में ये बिजनेस को सही से चलाएगा ना, पिताजी बड़े खुश होते। उसी तरह गुरुदेव बोलते थे गुरु का संपत्ति क्या है, बोले ये ईंट पत्थर मठ मंदिर जो संपत्ति है, लेकिन उसका उतना गुरुदेव महत्व नहीं देते थे। गुरुदेव बोलते थे हमारी गौड़ीय वैष्णव का जो विचार है, हैं? जो हमारे शास्त्र सिद्धांत है, ये इनकी असली संपत्ति है, ये संपत्ति को लेने के लिए कोशिश करना, ये संपत्ति को लेने के लिए कोशिश करना, हमारे गुरु वर्गों का जो विचार सिद्धांत तत्व ये सब चीज को गुरुदेव इतने उत्साह देते थे। तभी गुरु जी के शिष्यों ने जो अभी प्रचार कर रहे हैं दुनिया में, तभी इन लोगों ने सब इतने शास्त्र ग्रंथों को पढ़े सीखे। और मैं तो जा करके देखा गुरुदेव चमत्कार चंद्रिका प्रेम संपूर्ण जो जो ग्रंथ की बात गोविंद लीला मृत कभी मैंने नाम ही नहीं सुना था, नाम कभी नहीं सुना था, इतने माधुर्य गाथा में नहीं सब ग्रंथ। गुरुदेव जब एक एक बात बोलते तो बोले गुरुदेव कहाँ से सब बात बोलते हैं, गुरुदेव कहाँ से सब बात को कहाँ से बोलते हैं, इसलिए गुरुदेव इतने उत्साह गुरुदेव देते थे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अपने प्रस्ताव सुने श्री गौर सुंदर सवार करने सुभी दृष्टि मनोहर, भगवान शिक्षा देते हैं, भगवान सबसे ज्यादा कब संतुष्ट होते हैं, जब देखते हैं मेरे भक्त लोग बैठ करके मेरी कथा मेरी चर्चा मेरी नाम मेरी गुण मेरी कीर्तन करते हैं, महाप्रभु सबसे ज्यादा संतुष्ट भगवान उसी में ही होते हैं। इसलिए क्या होनी चाहिए, नित्य निरंतर क्या होनी चाहिए, भगवान की कथा की अग्नि हर समय प्रज्वलित होनी चाहिए। ठीक है, हिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल, बोल श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोल श्री नित्यानंद प्रभु की। हाँ देखो करुणा के लिए थोड़ा कीर्तन कर लेते, हाँ देखो जो लोग सब देख रहे हैं, जो लोग फेसबुक में देख रहे हैं, हम लोग सबके सब ये करुणा दूर हो जाए, क्योंकि भगवान का नाम से ही कहते मंगलम मंगलम मेतत मधुरम मधुरम, कहते भगवान का नाम मधुर से मधुर और मंगल से मंगल, भगवान का नाम, भगवान का नाम अगर किसी तरह से एक बार कोई ले कहते दुनिया का सारे अमंगल दूर हो जाता है। और आप लोग इसको दर्शन कर रहे हैं, ये सब दर्शन कर रहे हैं, हाँ आप लोग जो दर्शन कर रहे हो देखो ये श्री जगन्नाथ जी की मंदिर से आज वहाँ के जो पंडा लोग है कृपा करके हमारे मंदिर में देकर गए कि जगन्नाथ जी की सर में ये इनके श्रृंगार है, सख्यात जगन्नाथ जी की ये अपना श्रृंगार जो सर के ऊपर में जो लगता है, ये इनका सर के ऊपर में जो लगता है, इसलिए आप लोग मन मन में इसको प्रणाम, जो दर्शन कर रहे हो मन मन में सबके सब इसको प्रणाम करो,
है, सबके सब प्रणाम करो। नीचे तुलसी से बना हुआ है, ऊपर में बड़े सुंदर गुलाब फूलों से बनी हुई है। हाँ देख लो, पीछे के पीछे देख लो, ये तुलसी तुलसी से बना हुआ है, है? रोज अगर इतना तुलसी लगता है, इतना तुलसी जगाना अच्छा लगता है। हाँ हरे कृष्णा। हाँ आप लोग सबके सब मेरे पीछे पीछे ठाकुर का कीर्तन करो, दुनिया से सब दुख दूर हो जाए, करुणा भाग जाए सबके सब। इसी के लिए सब ताली बजा दो, ये मीठी मीठी मेरे पीछे पीछे कीर्तन करो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मीठे मीठे ताली ताली बजाते हो, जो दर्शन कर रहे हैं सबके सब वहीं पर कीर्तन करें। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। Hare Krishna Hare Krishna
राम राम हरे हरे।